देखो काम करने की तो बहुत सारी वीडियोस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी कंप्लेन के लिए हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक परगोला बनाया था, तो उसमें एक्सपीरियंस ये रहा कि जहाँ जहाँ पे हमने एलस्टोन की सिलिकॉन लगाई थी वहाँ पे तो बिल्कुल भी लीकेज नहीं है, और जहाँ पे एलस्टोन की सिलिकॉन नहीं थी, थोड़ा सा स्टॉक की वजह से वो एक सिलिकॉन हमने अलग 789 लगा दी थी, वो 3 महीने से 4 महीने के अंदर ही ख़राब हो गई है और वो दोबारा से चेंज करनी पड़ी है। तो फ्यूचर में आप जब भी कोई काम कराएं परगोला का, जो भी आपको लगे कि ऐसा कोई काम है, तो उसमें ये सिलिकॉन जो है हमेशा ये इस्तेमाल करें, वेदर सिलिकॉन। इसके बाद जो जॉइंट पे जो टिपिंग लगती है, जैसे मान लो हमने यहाँ पे मेटल रूफिंग करी है, यहाँ भी लीकेज की दिक्कत थी, जो गोला बनाया था उसमें लीकेज थी, उसमें हमने सबसे नीचे सिल्वर टेप लगाई जो वाटरप्रूफ टेप होती है, उसके बाद हमने इसके ऊपर ये अपना रूफ गार्ड होता है, ये बिटुमिन का मिक्स एक केमिकल है, ये दमन दीव का मैन्युफैक्चरिंग है, आप ये देख सकते हैं, इसको आर्दा पॉलीमर्स बनाता है, तो ये इसका नाम है अपना रूफ गार्ड, एक्सीलेंट बॉन्डिंग के लिए ये लगाया। तो इस तरह का आपको चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। इधर आपने देखा होगा एक ग्रीन कलर का एक पैलमेट लगा हुआ है, ये पैलमेट लगा हुआ है इसलिए कि जैसे पानी जो है वो रुक जाए, लेकिन इससे भी पानी रुक नहीं रहा है। अभी भी एक चैलेंज आ रहा है यहाँ पे, जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि यहाँ पे जो टाइल लगवा रखी है पार्टी ने, उस टाइल के बराबर से जो पानी जा रहा है वो सीपेज कर रहा है, तो इनको क्या करना चाहिए था, इन्होंने विदाउट स्कर्टिंग टाइल लगा दी है, तो वो चीज़ भी गड़बड़ थी जिसकी वजह से अभी भी पानी की लीकेज नहीं रुक पाई है। यहाँ पे जो हमने शेड बनाया था, यहाँ पे हमने जिन्ना बनाया था लकड़ी का, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने रूफ गार्ड का इस्तेमाल किया है, लेकिन जो अभी दिक्कत आ रही है कि वो पानी की दिक्कत आ रही है, जो नीचे से रिसाव हो रहा है पानी का, जो दीवार से हो रहा है। तो अगर आप इस तरह का कोई भी काम कराएं, तो सबसे पहले जो टाइल आप कराते हैं, टाइल लगवाते हैं, उन टाइल के नीचे आप देख रहे हो यहाँ पे सीपेज आ रही है दीवार में, आगे कंटिन्यू दिख रही है, इस तरह की कोई गड़बड़ ना हो तो टाइल लगाते टाइम स्कर्टिंग का इस्तेमाल करें और प्रॉपर डाल दें, इस तरह से पानी नहीं रुकना चाहिए छत में। धन्यवाद।